Are you an aspirant who are preparing for the competitive exam like IIT, JEE and NEET? Do you feel like कि आपके अंदर वो talent है, but उस talent को opportunity नहीं मिल पा रही है? So Manit is the platform which is going to showcase your talent, which is going to value your talent. Let me explain what is Manit. So Manit is an initiative taken by the Next IAS and Medici group, where we are teaching the aspirants for the entrance examination like IIT, JEE and NEET. Now Manit आप लोग के लिए लेके आ चुका है MTSC examination. Now what is MTSC examination? Manit Talent Search Examination. हम आपको बताते हैं कि MTSC के अंदर एनरोल करने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे एंड व्हाट वी आर गोइंग टू ऑफर यू हियर. यस, फर्स्ट थिंग इज दैट एप्टीट्यूड स्कोर एंड रिपोर्ट. बच्चों, इस एग्जामिनेशन के अंदर जो है आपका सब्जेक्ट एनालिसिस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही सही. टुगेदर विद दैट आपके लिए मेंटल एबिलिटी का भी पेपर होगा एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो है, जहां इतने सारे एस्पिरेंट्स इस एग्जाम के अंदर रजिस्टर करने वाले हैं, वहां आप कहां स्टैंड करते हैं. यस, एंड कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट 8th क्लास में है, 9th क्लास में है एंड दे आर नॉट गेटिंग द राइट डायरेक्शन. दे आर कंफ्यूज्ड कि उनको नीट की तरफ जाना चाहिए या फिर IIT JEE की तरफ जाना चाहिए. सो विद द MTSC एग्जामिनेशन आप करियर काउंसलिंग के भी बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो. यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, हमारे जो मैनेट के एक्सपर्ट्स हैं वो आपको करियर काउंसलिंग भी देने वाले हैं ताकि आप एक राइट डायरेक्शन को चूज कर पाए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे बच्चे जब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वो चाहते हैं कि एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले जो उनके केयर तो करे ही सही, साथ साथ में एक अच्छा स्कॉलरशिप भी उनको दे. सो लेट मी टेल यू, विद द हेल्प ऑफ MTSC एग्जामिनेशन यू कैन सी हियर, यू कैन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फी. Yes, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया कि MTSC जो है वो एक मैनेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, तो अगर आपके अंदर है टैलेंट तो आपको मौका मिलेगा कैश रिवॉर्ड्स को जीतने का. सो ये भी एक बेनिफिट आपको देखने को मिलने वाला है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दी एग्जाम डिटेल कि कभी एग्जाम होने वाला है. सो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हो देन डेफिनेटली नीट, JEE और जो फाउंडेशन कोर्सेज हैं जो अप्रैल 2025 के लिए कॉमेंस होने वाले हैं, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो. देन आफ्टर दैट, जो बहुत सारे बच्चों को भी इस चीज को जानने में इंटरेस्ट होगा कि सर एग्जाम की डेट कब है, तो मैं आपको बता देता हूँ 19 and 26 अक्टूबर, देन 10th ऑफ नवंबर. टाइमिंग्स 4:30 PM to 6 PM रहेंगे. ये पेपर आप जो है दोनों ही मोड में दे सकते हैं बच्चों, चाहे तो आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑल्सो ऑफलाइन इन प्रेमाइसिस ऑफ द इंस्टीट्यूट आप ये एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं. एंड देन डेफिनेटली अभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर हमें ऑफलाइन एग्जामिनेशन देना है तो हमारा टेस्ट सेंटर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेड इजी साकेत सेंटर पर आके आप अपने ऑफलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो. इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर हमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एग्जाम देने हैं तो क्या हम दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं? जी हाँ, आप दोनों एग्जाम में डिफरेंट टाइमिंग्स पर अपेयर हो सकते हो. मल्टीपल जो है एप्लीकेशन करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है. फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट स्लॉट में अप्लाई करके जो है एग्जाम देते हैं, फ्यूचर में अगर आप जो है अपने स्कोर को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, डेफिनेटली यू कैन रीअपीयर इन द एग्जामिनेशन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ये भी होगा कि रिजल्ट कब लिख रहे होगा, तो 17th of November को जो है इस एग्जामिनेशन का ऑल इंडिया रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा. उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप जो है किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं. नाउ मैम, हमने बच्चों को ये बता दिया है कि इस एग्जाम की डिटेल्स क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे ये भी जानना चाहते होंगे सिलेबस क्या है एंड जो है पैटर्न कैसा रहेगा. सो लेट अस गो थ्रू दैट. ओके, सो यहां पर टेस्ट में अगर हम बात करें तो दो टेस्ट आपके होने वाले हैं. एक आपका मेरिट टेस्ट होगा, दूसरा आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है. एंड यहां पर आपसे सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. देन जैसे कि सर आपने बोला कि एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम किस तरीके से पेपर दिखने वाला है, पेपर का लेवल क्या होगा, वो भी आप यहां पर जाके चेक कर सकते हैं. तो बच्चों, ये MTSC पेपर में जाके सबसे पहले जो है हम आपको यहाँ पर सिलेबस बताते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा. डाउनलोड पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, हमने आपके लिए क्लियर कट 8th क्लास का सिलेबस, 9th क्लास का सिलेबस, स्टैंडर्ड 10th का सिलेबस. देन यू कैन सी हियर JEE के अंदर जो बच्चा 10th टू 11th मूविंग है एंड देन 11th टू 12th मूविंग है, क्लियर कट आप लोग के लिए सिलेबस डिफाइंड है. देन अगर आप एस्पिरेंट हैं नीट के लिए जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके एग्जाम में क्या सिलेबस आने वाला है, किस तरह से जो है पेपर का पैटर्न रहने वाला है, कितना टोटल मार्क्स होगा यहाँ पर एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट इज द ड्यूरेशन, वी हैव गिवन द कंप्लीट डिटेल्स इन दिस डॉक्यूमेंट हियर.
तो ये तो हुई बच्चों यहाँ पर बात कि सिलेबस क्या रहेगा। मैम एक बार बच्चों को फटाफट से ये भी दिखा देते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। सो एमटीएससी पेपर को आप यहाँ पर जाओगे तो आपको सारे ही क्लासेस के देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। तो आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अगर देखना चाहते हो पेपर का लेवल तो यहाँ पर आपको नीट का भी एज वेल एज जेई का भी सबका यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सैंपल। तो सैंपल पे क्लिक करके आप जा सकते हो, तो इस तरीके से आप सैंपल चेक कर सकते हो। सो लेट अस फॉर एन एग्जांपल हम आपको 8th क्लास का यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो 8th क्लास का जो पेपर है आप देख सकते हैं कि सारे क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपको हमने यहाँ डिटेल में दे रखे हैं। देन व्हाट विल बी द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, आप जो है इस पेपर को जो है डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका सैंपल पेपर की तरह बच्चों एक्ट करेगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द डिटेल्स हियर। यस, सो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। एनरोल करना अगर आप चाहते हैं तो mtse.manet.com पर आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर जाके एनरोल कर सकते हैं एंड अपने IIT JEE और NEET जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने का जो आपका सपना है उसको आप साकार कर सकते हैं। और एंड में बच्चों मैं यही चीज कहूंगा, अगर आप में वो टैलेंट है, अगर आप ये चीज चाहते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसकी वजह से, जिस तरह से आप अपने टैलेंट को जो है दुनिया के सामने शोकेस कर सके, तो बिल्कुल भी देर मत करना। आपके सामने वेबसाइट है एंड यहाँ पर फटाफट से आप अपना नंबर डाल के जो है वेरीफाई मोबाइल नंबर करके रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल। सो अगर आपके अंदर टैलेंट है सो यू आर मोस्ट वेलकम। और क्वालिटी एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू बच्चों।